फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते चल रही हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अपडेट होकर आ चुके हैं और हॉलीवुड की मच अवेटेड बिगी फिल्म ब्लैक एडम को रिलीज हुए आज 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों में इस फिल्म ने इंडिया से और दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई कर ली है। डॉक्टर जी जो कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी इस फिल्म को रिलीज हुए आज 10 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म का भी कलेक्शन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर फिल्म कांतारा और PS1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर हम मराठी पैन इंडिया फिल्म हर हर महादेव की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म कांतारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और कन्नड़ा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन और लीडिंग एक्टर के तौर पर रिलीज होने वाली फिल्म है कांतारा, जो कि एक कल्चरल फिल्म है और इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 30 सितंबर को रिलीज किया गया था। हिंदी में दोस्तों इस फिल्म को पिछले हफ्ते रिलीज किया गया, जहां पर यह फिल्म हिंदी में पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म डॉक्टर जी से अच्छी कमाई करती हुई नजर आई। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि कांतारा ने अपने शुरुआती 21 दिनों तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त कमाई कर ली थी और लगभग 142 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर, 165 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 190 करोड़ के आंकड़े को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया था। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के 4th वीकेंड के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 22वें, 23वें और 24वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का अपने 22वें दिन यानी कि कल का जो कलेक्शन था वो भी काफी स्ट्रांग रहा और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। यह फिल्म दोस्तों आज भी इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग होल्ड करती हुई नजर आई है और आज इस फिल्म की जो एडवांस है वो ही 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज डबल डिजिट का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है और लगभग 11 करोड़ रुपए की कमाई आज अपने 23वें दिन भी कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा 165 करोड़ रुपए का। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो फाइनली दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई दुनिया भर से कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। दोस्तों यह फिल्म एक या दो ही दिनों में KGF चैप्टर 1 के रिकॉर्ड्स को दुनिया भर में तोड़ देगी और कन्नड़ा सिनेमा की दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म यानी कि पोन्नियिन सेल्वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि पोन्नियिन सेल्वन जो कि एक हिस्टोरिकल फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको कार्थी, विक्रम और कई सारे बेहतरीन एक्ट्रेस नजर आए थे। दोस्तों मणिरत्नम सर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को भी 30 सितंबर को ही रिलीज किया गया था और इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से अपने पहले ही दिन से धमाकेदार रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया है। 30 सितंबर को दोस्तों 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें PS1, कांतारा और विक्रम वेदा जैसी 3 फिल्में थी। लेकिन दोस्तों साउथ की ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है, तो वहीं दोस्तों बॉलीवुड की फिल्म विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। बात की जाए यहाँ पर अगर PS1 के टोटल की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि PS1 जहां अपने पहले हफ्ते में 300 करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब रही थी, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में 400 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी थी। अपने तीसरे हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म की जो कलेक्शन है वो 470 करोड़ रुपए के आंकड़े को कर चुके थे, तो वहीं दोस्तों अब ये फिल्म अपने 4th हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म को दोस्तों कई सारी बड़ी फिल्मों से क्लेश जरूर मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म अपने 4th वीकेंड में 3 करोड़ रुपए की शुरुआत करने में कामयाब रही है। आज ये फिल्म अपने 23वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल है वो 480 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता हुआ इस हफ्ते नजर आ रहा है। जल्द ही दोस्तों ये 500 करोड़ रुपए ये क्लब में शामिल हो जाएगी और बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी रहेगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर अब अगली फिल्म यानी कि डॉक्टर जी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको आयुष्मान खुराना और रकुलप्रीत सिंह नजर आई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुभूति कश्यप के डायरेक्शन में बनने वाली यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि बॉलीवुड की तरफ से पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया था और इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि
ऑडियंस ने इस फिल्म को अपने पहले, दूसरे और तीसरे दिन तो ठीक ठाक रेस्पॉन्स दिया, लेकिन उसके बाद इस फिल्म के कलेक्शंस में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया। बता दें दोस्तों आपको कि शुरुआती 3 दिनों में लगभग 15 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी डॉक्टर जी का अपने 4th, 5th और 6th दिन के जो कलेक्शंस थे उनमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले हफ्ते में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर टोटल 21 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 26 करोड़ रुपए कमाए। ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो लगभग 32 करोड़ रुपए का रहा। ऐसे में दोस्तों 25 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली डॉक्टर जी एक एवरेज फिल्म साबित हुई। लेकिन अगर बात की जाए इस हफ्ते की, तो दोस्तों इस हफ्ते डॉक्टर जी को बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के आज अपने 9वें दिन के जो कलेक्शन है वो भी ठीक ठाक ही रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों आज 30 लाख के एडवांस के साथ ओपन हुई है। कल दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़ से 1.40 करोड़ रुपए कमा रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 24 करोड़ रुपए का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा और लगभग 30 करोड़ रुपए का इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ की कमाई के साथ ये फिल्म एक रीजनेबल टोटल करने में कामयाब रही है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म ब्लैक एडम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि ब्लैक एडम जो कि एक डीसी द्वारा बनाई गई सुपर हीरो फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको वेन द रॉक जॉनसन नजर आए हैं। वहीं दोस्तों उनका साथ दिया है इस फिल्म में कई सारे बेहतरीन सुपर हीरोज ने। दोस्तों बताते चले आपको कि जॉमी कॉलेट सेरा के डायरेक्शन में बनने वाली इस सुपर हीरो फिल्म का एक्शन ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है, विजुअल्स भी टॉप क्लास के हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की कहानी को ऑडियंस कुछ खास पसंद नहीं कर रही। हालांकि दोस्तों उसके बावजूद भी रॉक के फैन फॉलोइंग की वजह से इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के सेकंड डे और थर्ड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों उम्मीदों के हिसाब से इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाई नहीं कर पाई है और अपने दूसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस है उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि उम्मीद थी कि यह फिल्म अपने दूसरे दिन भी लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी, लेकिन इस फिल्म के अपने दूसरे दिन के जो कलेक्शंस निकल कर आए हैं वो इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए के ही रहे हैं, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों में इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन यानी कि सभी भाषाओं में कलेक्शन 17 करोड़ रुपए का हो पाया है। आज यह फिल्म अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करती हुई नजर आ रही है। आज की इस फिल्म की एडवांस इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 1.27 करोड़ से ज्यादा की है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज जहां इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, वहीं दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन लगभग 8 से 8.5 करोड़ रुपए का आ रहा है। ऐसे में यह फिल्म शुरुआती 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल सभी भाषाओं को मिलाकर 25 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म को उम्मीदों के हिसाब से ओपनिंग नहीं मिल पाई है। उम्मीद थी दोस्तों कि यह फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में दुनिया भर में लगभग $200 मिलियन के आंकड़े को पार कर देगी, लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कल $26 मिलियन के आंकड़े को पार किया है, जो कि एक तरह से एक अच्छी ओपनिंग है। लेकिन दोस्तों आज अगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा सस्टेन कर लेती है तो इस फिल्म का जो वीकेंड कलेक्शन है वो अमेरिका से 65 to 70 million का रहेगा। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म $150 मिलियन के आंकड़े को अपने फर्स्ट वीकेंड में पार करती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म का दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अभी तक का जो टोटल कलेक्शन है $110 मिलियन के आंकड़े को आज पार करता हुआ नजर आ रहा है। कल भी दोस्तों अगर इस फिल्म को इसी तरह का रेस्पॉन्स मिलता है तो यह फिल्म अपने वीकेंड में $150 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी होगी, यानी कि दोस्तों 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई यह फिल्म शुरुआती 3 ही दिनों में कर चुकी होगी। $200 मिलियन के बजट के साथ बनने वाली ब्लैक एडम इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो और $1 बिलियन के आंकड़े को दुनिया भर में पार कर ले। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ब्लैक एडम इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं, और दुनिया भर में यह फिल्म $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात की जाए दोस्तों यहां पर आप अपकमिंग मच अवेटेड मराठी फिल्म हर हर महादेव के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, जिसको लेकर
जिसको लेकर दोस्तों ऑडियंस के बीच में जो एक्साइटमेंट है वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म मराठी सिनेमा की पहली पैन इंडिया फिल्म होगी जिसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाड़ा, मलयालम हर भाषा में रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अभिजीत देशपांडे के डायरेक्शन में बनने वाली हर हर महादेव, जिसके लीड में आपको शरद केलकर, हिमांशु झा और शरद फोंसके नजर आने वाले हैं। यह फिल्म दोस्तों जी स्टूडियो और श्री गणेश मार्केटिंग द्वारा बनाई गई एक हिस्टोरिकल फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दिवाली के एक दिन बाद यानी कि 25 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है। यह एक मराठी फिल्म है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को इस बार पैन इंडिया में सभी बड़ी भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में जो एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस मराठी फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल लगभग 1200 से 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा सकता है, जहां पर यह फिल्म अपने पहले दिन एक बड़ी ओपनिंग ले सकती है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म की अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि हर हर महादेव की अभी तक जो एडवांस बुकिंग है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 5 लाख रुपए के आंकड़े को पार करती हुई नजर आई है, जो कि एक तरह से एक एवरेज एडवांस बुकिंग है। इस फिल्म के एडवांस को दोस्तों अभी तक सिर्फ मराठी में ही शुरू किया गया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाड़ा और मलयालम भाषा में इस फिल्म के एडवांस को अभी शुरू नहीं किया गया है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि इस फिल्म के एडवांस को आज या फिर कल से इन सभी बड़ी भाषाओं में भी रिलीज कर दिया जाए, और अगर दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की भी ओपनिंग ले लेती है तो ये फिल्म राम सेतु और थैंक गॉड को बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम में काफी कड़ी टक्कर देने वाली है। अब देखना यही है दोस्तों कि शरद केलकर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाती है। आप क्या दोस्तों इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।